17वीं लोकसभा का नौवां सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई। मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, संवाद करें। लेकिन सदन बिना व्यवधान के मर्यादा से चले, सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे ताकि देश की जनता की आकांक्षा अपेक्षाएं इन सदन के माध्यम से हम पूरी कर सकें। सभी दलों के नेताओं ने, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि हम सदन की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, विधेयक पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से पिछले 8 सत्रों के अंदर जिस तरीके की सदन की उत्पादकता रही है, आने वाले सत्र के अंदर भी हम इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग देंगे। मैंने सभी दलों के नेताओं से अपेक्षा की है कि ये सत्र हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का काल का सत्र है, इसलिए इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर मर्यादा चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसे मैंने अपेक्षा किए। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। धन्यवाद। सर, विपक्ष दो सवाल है, किन किन मुद्दों पे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं?